हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मेरे कमल के पौधे में कुछ पत्तियां और निकल आई हैं। पौधा जितनी ही ज़्यादा देर तक धूप में रहेगा, पौधे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन फिर भी जड़ की तरफ से जो न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए रहता है, वो हमें मिट्टी के अंदर देना पड़ता है। पानी में अगर हम कुछ खाद वगैरह देंगे तो पौधे की ख़राब होने का डर होता है। इसके लिए मिट्टी के अंदर कैसे खाद देना है, आज मैं देने वाली हूँ अपने पौधे को, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करेंगे। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर हैं। अगर इस पर पानी पड़ जाता है तो मोती जैसा दिखता है। ये मैंने कमल गट्टे की सहायता से लगाया था। इसकी पत्तियाँ एक रूट में से किस तरह से निकलती हैं, ये आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये वैसे मिट्टी के अंदर रहता है, अभी थोड़ा ऊपर आ गया है, इसे मैं जल्दी ही मिट्टी में दबा दूंगी। आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। एक रूट्स निकलती है, फिर उसके बाद जो अगला नोड आता है वहाँ से फिर एक नई पत्ती निकलती है और रूट्स नीचे रहती हैं, पत्तियाँ ऊपर निकलती जाती हैं। कुछ पत्तियाँ ख़राब होने लगी थी, तो इससे देख के समझ में आता है कि पौधे को खाद की कमी है और अब इसे हमें खाद देना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पतला कपड़ा लिया है, जो बाज़ार में थैली आती है, उसके काट के 3-4 टुकड़े कर दिए। इसमें हल्के हल्के छेद होते हैं जिससे खाद आसानी से मिट्टी में आ सकती है। और मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है 2 चम्मच और 2 चम्मच बोन मील। आप चाहो तो आधा चम्मच NPK दे सकते हैं, लेकिन मैं ऑर्गेनिक खाद ही देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये धीरे धीरे काम करती है। फूल आने के लिए हमें खाद देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पत्तियां ही बढ़ती रहेंगी और फूल आने में मुश्किल होती है। अगर पेपर पे देना है तो पेपर पे भी इसी तरह से हम 2-2 चम्मच रखेंगे और पुड़िया बना लेंगे, और कपड़े में अगर देंगे तो उसकी छोटी छोटी पोटली बना लेंगे। मिट्टी में थोड़ी सी जगह करके उसके अंदर करीब 5-6 इंच, 3-4 इंच भी दे सकते हैं। उसको ऐसे दबाएँगे कि वो पोटली कपड़ी की मिट्टी के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे देखिए बुलबुला निकल रहा है, जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। मिट्टी के अंदर जब ये पोटली रहेगी या कागज़ की पुड़िया, तो जो कमल की जो जड़ें होती हैं वो वहाँ तक जाके आसानी से उसमें से न्यूट्रिशन ले लेती हैं। ये देखिए छोटी छोटी नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। अभी कमल की ग्रोथ अच्छी चल रही है। जब ठंड का मौसम आएगा तब इनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, फिर जब सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है तो फिर ग्रोथ अच्छी होती है और फिर फूल आने लगते हैं। इसके लिए हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। ये इसकी बारीक बारीक जड़ें हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहती हैं। ऊपर से थोड़ी मिट्टी और रेत मैं डालूँगी ताकि ये अंदर दब जाएँ। पत्तियाँ जो सड़ जाती हैं नेचुरल ढंग से, वो भी पौधे के लिए खाद बनाती रहती हैं। आपको भी अगर लगाना है तो आप आसानी से लगा सकते हैं।